सबसे पहला मेरा ये है कि जनाब एक नेशनल एमरजेंसी डिक्लेयर की जाए और ये कसम दिलवाई जाए, सबसे हलफ उठवाया जाए, एब्सोल्युटली नो पॉलिटिक्स इन इकोनॉमिक्स। सबसे पहले अननेसेसरी इम्पोर्ट्स जितनी हैं बंद कर दो, पीरियड। यार चिप्स बाजार से आने की, बाहर से आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोकल चिप्स खाएंगे। और यहाँ पे दुनिया जहाँ का चिप्स मिलता है, 500 रुपये का पैकेट पड़ा हुआ है जनाब, बाहर के चिप्स आ रहे हैं, हर दुनिया के मुल्क से आ रहे हैं। वाय टॉटीला आ रहे हैं, पोटैटो आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? आपके इतनी अमीर आप कौम हो गए हैं कि आपके पास 10 मुल्कों से शहद आ रहा है, सीरियल आ रहे हैं तो पता चलता है जनाब ये हॉलैंड से सीरियल पड़ा हुआ है, 12 मुल्कों से कॉफ़ी मंगवा रहे हैं आप, इतने अमीर। और भाई लोकल इंडस्ट्री को 10 साल दो, जब पता होगा मुझे ये लोकल इंडस्ट्री, ये लोकल बिजनेसमैन को कि भाई ये इम्पोर्ट पॉलिसी या एक्सपोर्ट पॉलिसी 10 साल के लिए गवर्नमेंट बदल जाएंगी, इसने नहीं बदलना, तो मुझे पता है कि भाईजान पाकिस्तान में खपत कितनी है इस चीज़ की, तो मैं खुद कुछ लगा लूँगा जैतून का, को मैं खुद प्लांट लगा लूँगा, मैं खुद सब चीज़ ढूंढूंगा ना। लेकिन ये जब तक आप नहीं करेंगे ना, ये पॉलिटिकल डिसीजन है, हाय अमीरों का की, वो तो उन्होंने यशी रुक जाएगी, वो तो खा नहीं, उन्होंने बच्चे खाते नहीं है। भाई आपके सामने ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये मैकडोनल्ड्स वगैरह, ये हार्डीज, इनकी बर्गर की पैटियाँ तक बाहर से आती हैं, तो अब आपको सोच रहे हैं कि बोर्ड का बिल क्या है? तो इसको बिल्कुल लग्जरी आइटम को जो पाकिस्तान में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, भाई बाहर तो साबुन आंधी की लोड है, गई लोकल शैम्पू नहीं है कि साढ़े को लोकल साबुन नहीं है आपके पास, तो इसको बिल्कुल बंद कर दो। जो नॉन असेंशियल लग्जरी आइटम की कैटेगरी में जितनी चीज़ें आती हैं, चाहे वो पैकेज फूड है, प्रोसेस फूड है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, लग्जरी आइटम है, उनको बंद कर दो। यहाँ से आपका इम्पोर्ट बिल बचेगा। नंबर दो, टोटल बैन ऑन कंप्लीटली बिल्ट यूनिट चलाएं। इस मुल्क की जरूरत यह है कि जो कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स आ रहे हैं उनको बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि अब आप इस वक्त लाइबिलिटी बन चुकी है, लोकल व्हीकल इंडस्ट्री आपकी लाइबिलिटी बन चुकी है। आप 6 लोगों को यहाँ पर ले आए हैं, अब आप उनको बचाएं। नंबर तीन, सब्सिडीज जौन सी फ्यूल पे दी हुई हैं, ये हो सकता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता कर लें, 2 महीने में कर लें, 3 में कर लें, लेकिन खुदाया एक दफ़ा जब वापस ले लें उसके बाद एज अ पॉलिसी कि भाई इसके ऊपर सब्सिडी कोई नहीं देगा, तो आपको ये फैसला लेना पड़ेगा कि जनाब पेट्रोल पे कोई सब्सिडी, कोई मजाक नहीं, कोई प्यार मोहब्बत नहीं। अगर आपने टारगेटेड सब्सिडी देनी है, इतना महंगा हो जाए पेट्रोल तो मोटरसाइकिल वालों को दे दो। बैन एक्सपोर्ट ऑफ वीट एंड शुगर। भाईजान इस मुल्क के अंदर जो है यहाँ पे हम करेंगे, अगर फैसला करना पड़ेगा, खुदा न खासा लोकल चीज़ों तो वापस नहीं जाए। अगर गवर्नमेंट ने फैसला किया है यू गिव इट बैक, किसी साल में इतनी हो गई है बच गई, अब तो बचेगी नहीं, पिछले 10 साल से तो लग रहा है बच नहीं, इम्पोर्ट ही हो रही है। अगर बच भी जाएगी तो यू सेल इट टू द गवर्नमेंट, ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बाहर जानी नहीं। क्लोज डाउन, ये सबसे तकलीफ होगी आप सबको यार, रात को 12 बजे बाहर निकलो, 1 बजे बाहर निकलो, पूरा लाहौर बाहर होता है यार। मैं हैरान होता हूँ क्या लोगों ने घरों में खाना पकाना छोड़ दिया, सड़कों में टाइम गुजारना शुरू कर दिया, और 12-1 बजे तक कोई दुकान जाता ही नहीं। एक तरफ आप रो रहे हैं कि आपका शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट है, 7000 मेगावाट है, किसी को अकल नहीं आती कि अल्लाह कहता है कुरान में मैंने दिन को काम के लिए बनाया, तो ये शाम के बाद सारी एक्टिविटी, चाहे शादी घर है, चाहे होटल है, खाने पीने होटल बंद कर, ताकि एक तरफ आपकी बिजली बचे, दूसरी तरफ बिजली बचने का मतलब क्या है, इम्पोर्ट ऑफ ऑयल, फर्नेस ऑयल, डॉलर बच रहा है। सिंगल पर्सन व्हीकल को डिस्करेज करें, फैमिली जा रही है ठीक है, सिंगल पर्सन व्हीकल लेके आप ना निकलें, साइकिल लें, स्कूटर लें, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, या किसी से लिफ्ट लें या राइड ले लें, इतने नवाब के बच्चे हैं तो कंपनी से आपको गाड़ी मिल जाए, जो भी है। लेकिन ये जो है ना बाची गाँव की तरह सारे बाहर निकले होते हैं, एक घर से 4 बंदे जा रहे हैं, 4 गड्डियों से निकलते हैं, ये प्रैक्टिस ख़त्म करनी पड़ेगी। लिमिट कोटा, अब ये भी बड़ी तकलीफ दे बात है, वीजे दे ही ना,
भाई जान आप 2 साल पहले दुबई आए थे, आपको दुबई जाने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे नहीं आप जाएंगे, मुंह उठाए, क्योंकि एवरी टाइम यू गो आउट यू आर कॉजिंग लीकेज ऑफ डॉलर। गरीब मुल्क है यार, इतनी सारे करने की क्या जरूरत है। तो ये कोटा लगा रहे हैं भाईजान, साल में एक ट्रैवल होगा इस तरह का, या 2 साल में एक होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। डॉलर में जाएँ जहाँ से बचता है। रसूल पाक सल्लम ने एक हज किया, आप पॉलिसी बना दें भाई पूरी लाइफ टाइम में 3 उम्रें हैं, एक हज है। आप सोचें कितना पैसा आप डॉलर फिर लेके जाते हैं इस मुल्क से, लिखा हो रहा है, निकल रहा है जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि भाई आप सेविंग कर सकते हैं। आप सोचें एक साल के अंदर 6 महीने के अंदर आपका जो डॉलर का फुकदान है वो इन सारी चीज़ों के बाद कहाँ पर जाएगा। तो ये छोटी छोटी मोटी मोटी कुछ एडवाइसेस हैं कि आप अगर ये चीज़ें कर लें तो इससे कम से कम आपके, और ये पक्की पॉलिसी, ये नहीं कि अगली गवर्नमेंट आके इसको अनडू कर देगी, और यही पॉलिसी है। इसी तरीके से जनाब ओवरसीज पाकिस्तानी की रिमिटेंस हैं, उसके लिए कोई पॉलिसी बना दें, उन लोगों को बेनिफिट देना ज़रूर दें। तो ये आपको टफ फैसले करने पड़ेंगे। ये दूसरा मेजर इशू था आपका, पहला था ट्रेड डेफिसिट, दूसरा था ये आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, और तीसरा जो आपका बजट डेफिसिट, कि जो बजट डेफिसिट है इसको कैसे कम किया जाए। नंबर एक विदड्रॉ सब्सिडीज, लोकल करेंसी है ना ये, लोकल पाकिस्तान का जो भी बजट आएगा तो आप देख लीजिएगा फिर बजट डेफिसिट होगा, तो इसके अंदर जो सब्सिडीज हैं वो वापस ले लें, जो रुपये की सब्सिडीज हैं जो इंडस्ट्रीज को दी हुई है आपने। नंबर दो टैक्स बेस को बढ़ाएं और टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करें, बेस को बढ़ाएं, टैक्स रेट को ना बढ़ाएं, हर बंदे से टैक्स लें। और टैक्स का सिस्टम अभी भी आपका जितना मर्जी आपने कंप्यूटराइज कर दिया है अभी भी ठीक नहीं है, अरबों रुपए कमाने वाले लाखों रुपया टैक्स दे रहे हैं, कैसे यार, अभी भी इतने लूप होल्स हैं कि अनइमेजिनेबल है। तो इसको सिंप्लीफाई करें, ताकि अगर टैक्स सिस्टम सिंप्लीफाई होगा तो उस सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम के अंदर उसकी मॉनिटरिंग भी सिंप्लीफाई होगी। नंबर 3 कट डाउन ऑन मैल प्रैक्टिसेस एंड स्मगलिंग विच कॉजेज लॉसेस टू नेशनल एक्सचेंज, अब इसके ऊपर भी सियासत है। पेशावर से जनाब स्मगलिंग हम नहीं रोक सकते हैं, बलूचिस्तान से हम इसलिए नहीं रोक सकते हैं, चमन बॉर्डर पर भी स्मगलिंग हो रही है, इधर भी स्मगलिंग हो रही है, तो भाई सस्ती कर दो चीज़ों का काम कर लो। अगर आप टैक्स रेट को बहुत हाई रखते हैं तो आप एक्चुअली मौका दे रहे हैं एक बंदे को रिश्वत के ऊपर। अगर वो टैक्स कम है तो वो मेजॉरिटी लोग ये कहेंगे थोड़ा टैक्स है ना यार दे दो, गवर्नमेंट देना, उसको सिंप्लीफाई कर दें, उसको कम कर दें। आप क्यों ये सोच रहे हैं कि मुल्क से स्मगलिंग रुक जाएगी, क्योंकि आपके पास अच्छी ख्वाहिश है रुक जानी चाहिए, लेकिन रियलिटी ये है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अमेरिका वाला सिस्टम आपके पास नहीं है, अमेरिका में सिगरेट का एक डब्बा भी स्मगल नहीं आप करके ले जा सकते, यहाँ पे कंटेनर भर भर के सिगरेट स्मगल होते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हैं पेशावर में, आप हैरान हो जाएंगे कैसे होती हैं यार, इतनी बड़ी चीज़ कैसे स्मगल हो सकती है, होती है। डेवलपमेंट एक्सपेंसिस आपको कम करने पड़ेंगे, जो कि आप अगेन आपको पता है पोलिटिकल बेसिस पे होते हैं। मेरा हल्का, मैंने सड़कें बनानियाँ ने, मैं पुल बनाने ने, मैं अस्पताल बनवाना है, चाहे बाद में उसके अंदर डंगर बांध दो, अस्पताल बन गया, स्कूल हैं खाली पड़े हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, ये इसलिए मेगा प्रोजेक्ट्स करते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में उनको कमीशन बड़ी मिलती है। इसलिए हर गवर्नमेंट का ये ज़रूर होता है कि हमने डेवलपमेंट के एक्सपेंस, सड़कें बनानी हैं जी, हैं अंडर पासिस बनाने हैं, पैसे आए या नहीं, तो आपको डेवलपमेंट एक्सपेंसिस रोकने पड़ेंगे। आप श्रीलंका में चले जाएँ, नेपाल में चले जाएँ, अब इवन के बांग्लादेश में चले जाएँ, जो आपसे इकोनॉमिक से कई आगे हैं कई इंडिकेटर्स के अंदर, आपको इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके मुल्क में है ना कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। खुदा का शुक्र अदा करें, अगले 10 साल के लिए पाबंदी लगा दें, कोई डेवलपमेंट नहीं होगी आगे। लॉस मेकिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस को चाहे जो मर्जी ताले कर लें भाईजान, इसको प्राइवेटाइज कर दें। अब एक बड़े और तकलीफ दें, पेंशनों को ख़त्म कर दें। मैं तो गवर्नमेंट की नौकरी हाथ में की थी सर जी, पेंशनों का बिल इतना बढ़ चुका है और अगले 10 सालों में इतना बढ़ जाएगा, आपके बजट का डेफिसिट, आप हैरान होंगे कि ये क्या है। और खुदाया पूरी दुनिया से ये ऐसे लंबी
इतनी बड़ी लाइबिलिटियाँ सारी जिंदगी, जो कि आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते कि आप बंदे ने 70 साल जीना है या 80 साल जीना है।